आज हमारी शिलांग पे दूसरी दिन है, तो आज हम शेरापुंजी के लिए निकले हैं। तो वहाँ पे यहाँ देखिए मेरे बच्चे यहाँ शिलांग में जो ये शिलांग रहते हैं, ये बच्चे ये शिलांग पे ही इनकी घर है। ये मेरा बच्चा है, उसका दोस्त है, उनको साथ गौरव, अब गौरव है ना, तो गौरव को भी साथ लेके जा रहे हैं। तो आज जो है शेरापुंजी के लिए जा रहे हैं। ये जो बच्चे हैं तो हमें साथ दे रहे हैं, ये जो है हमें आज वहाँ लेके जा रहे हैं। तो हमने एक वहाँ जाने के लिए लोकल टैक्सी लिया है, तो आगे हमारी टैक्सी रुका हुआ है। देखिए गाइस, आज हम शेरापुंजी के लिए जा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। राइनो पॉइंट यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो जगह है मोकोडक कहा जाता है, यहाँ थोड़ी देर पहले हमने जो ब्रिज मिला, हमको जो ब्रिज मिला उसको कुर्बान ब्रिज बोला जाता था। यहाँ कुर्बान फिल्म, जो सलमान खान के जो कुर्बान फिल्म शूटिंग हुआ था, यहाँ फिल्माया गया था उस फिल्म को। देखिए मोकोडक का जो नज़ारा है, जो व्यू है आपको दिखा रहे हैं, कितना सुंदर सा व्यू। हम ये चेरापुंजी जो जा रहे हैं वो रास्ते में ये मोकोडक ये मिलता है। तो ये मोकोडक कहाँ से है? हम आसाम से। हम भी आसाम से। बहुत बड़ी बात, बढ़िया बात है। तो आप कहाँ जा रहे हैं अभी? हम जा रहे हैं शेरापुंजी। शेरापुंजी हम भी वहीं पे जा रहे हैं। तो ठीक है, आसाम आप कहाँ से हैं? आसाम हम कामरूप से। कामरूप से सभी, ये टीम कामरूप से है। थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। देखिए यहाँ के व्यू, पहाड़ों के बीचों बीच जैसे बादल जो है पहाड़ों के बीचों बीच नाचता खेलता दिखाई दे रहा है। ये व्यू स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर दिखने को मिल रहा है। देखिए इस व्यू, राज और गौरव के साथ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो देखिए ये यहाँ, देखिए यहाँ की जो लोकल महिला है हमें मिला है, इनको कंग कहा जाता है। कंग का मीन्स सिस्टर, सिस्टर को कंग कहा जाता है। जो बड़ी सिस्टर, बड़ी बहन, छोटी बहन, उन सभी को कंग कहकर बुलाते हैं। तो कंग, ये जगह का नाम क्या है? ये जगह का नाम लाड माउफलांग। इजो रास्ता डेविस्कट माउफलांग ये रास्ता जाता है। ये आप बेचने ले आई, क्या बेचने ले आई? ये जो टोकरी पर राइस खाओ, राइस ये आप बेचती हैं? अच्छा ठीक है। थैंक यू कॉन्ग। ये देखिए जुलाई महीना में जो कोहरा छाया हुआ है, देखिए बारिश भी यहाँ पे है। थोड़ी देर पहले यहाँ धूप और कोहरा समांतर रूप से थी, अब देखिए कोहरा जो है जुलाई महीने में, ये बहुत बड़ी बात है। जुलाई महीने में ऐसे कोहरा कहाँ देखने को मिलता है? ये तो दिसंबर और जनवरी की जो सीजन है वो सीजन वाली यहाँ कोहरा छाया हुआ है। देखिए गाइज, ये हम यहाँ शेरापुंजी अब पहुँचने वाले हैं। कुछ देर बाद हम शेरापुंजी पहुँचेंगे, कई फॉल्स पर पहुँचे, पर हमारी दुर्भाग्य है जो यहाँ जो कोहरा छाता है तो वो फॉल्स को हम देख नहीं पाते। देखिए अभी कोहरा छाया हुआ है, ये मौका को ढूंढने पड़ता है ये जो फॉल्स देखने के लिए। जो हमें अगर कोहरा अगर यहाँ से हट जाए तो हमें फल्स जरूर दिखाई देगा।
चेरापूंजी है तो ये नोकालिकाई फॉल्स हम उसके पास ही ऊपर भाग में हम बैठे हैं। देखिए तो यहाँ के एक लोकल भैया हम दिखाई दे रहे हैं, उनको पूछते हैं यहाँ कैसा क्या है। भैया ये जो अभी हम फॉल्स नहीं दिख पा रहे हैं, क्यों दिख नहीं पा रहे, ये जो कोहरा छाया हुआ है ऐसा ही होता है क्या? हाँ, यहाँ पर हमेशा ऐसे ही होता है, मतलब जब हवा आता है तो ये कोहरा हट जाता है, तब आपको फॉल्स देखने मिलेगा। तो वो आपका मतलब जो हवा आने से तब वो कोहरा को हटा देता है, हटा देता है, उसका बाद वो ये फॉल्स हमको दिखने मिलता देखने है मिलेगा। ये बात है ना, ये पूरा जंगल है ना। हाँ हाँ। जंगल है जो पानी है। हाँ। जैसे कि उसका वजह से मतलब इधर में कोहरा ज़्यादा लगता है। यहाँ तो बहुत टूरिस्ट आते होंगे, बहुत, आप तो यहीं के रहने वाले हैं। ठीक है, तो फॉल्स कितने लोग देख पाते हैं, ये जो फॉल्स क्लियर है, इसे जो कोहरा हरदम छाता है? हाँ, बहुत लोग देखने के पाते हैं, पर मतलब कुछ इंतज़ार करने होता है, इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा देखिए, ये तो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बारिश होने की जगह कहा जाता था चेरापूंजी। हाँ हाँ। ये अभी भी है या फिर अभी दूसरा जगह कोई हो गया? अभी कुछ कम हुआ, कम हुआ बारिश। हाँ, बारिश यहाँ पर कुछ कम हुआ। अब मौसम ग्राम अभी अभी सुनने में आता है। हाँ जी, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर रहते हैं मौसम ग्राम में। हाँ जी, तो मौसम ग्राम में ज़्यादा बारिश हो जाता है, मौसम ग्राम में ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, तब तो यहाँ फॉल्स के लिए ये विख्यात है। थैंक यू भैया। गाइज देखिए, वो जो फॉल्स अभी कुछ चेरापूंजी के जो है उसमें दिखाई दे रहा है, जो पहाड़ी की चोटी से फॉल्स उतर रहा है। यह देखिए ये फॉल्स, इतना सुंदर सा नज़ारा। इसी फॉल्स देखने इंडिया तथा बाहर के लोग यहाँ लाखों आते हैं साल में। देखिए ये चेरापूंजी है, चेरापूंजी आने का जो मन सभी को होता है, क्योंकि यहाँ का फॉल्स देखने लायक का होता है। यहाँ पे जो दुकानें हैं, आपको हम थोड़ी किस तरह की दुकानें हैं हम दिखाएंगे, जो ऐसे सामान मिलता है यहाँ पे। देखिए किस तरह का दुकान है, देखिए हम दुकान को आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए अंदर की तरफ हम आ गए दुकान के। ये देखिए यहाँ कपड़ों से लेकर सभी घरेलू सामग्री से लेकर सभी सामान यहाँ मिलता है। देखिए गाइज, तो यहाँ जो फॉल्स जो दिखने मिलेगा या नहीं, हमें थोड़ा चिंता हो रही है। इतने दूर से आए, चेरापूंजी आए, हट रहा है ना? तो हट रहा है बोल रहा है, तो ठीक है। और ऐसा दिखाई दे रहा है जो वाटरफॉल्स, देखिए गाइज वो नीचे की भाग वाटरफॉल जो उसकी छोटी जो चोटियाँ हैं, वो चोटियों से वो जो वाटरफॉल्स गिर रही है। जो मेन वाटरफॉल्स जो है वो अभी भी कोहरा के चलते नहीं दिख पा रहे हैं। हम अब एलिफेंट फॉल्स वहाँ पे आ चुके हैं, अब ये फॉल्स की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए देखिए उसका सुंदर नज़ारा, ये शिलम के पास में ही है फॉल्स। तो यहाँ पर ये फॉल्स है और सेकेंड फॉल्स इधर है, थर्ड फॉल्स। देखिए गाइस इतना सुंदर नज़ारा। तो सेकेंड फॉल्स कहा जाता है, तो यहाँ ये फॉल्स देखिए भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी भी 2016 में आए। आज हम भी आज तो चुके हैं यहाँ पे, तो ये फॉल्स एलिफेंट फॉल्स कहा जाता है। तो ये थर्ड फॉल्स
जो पहले आप दिखाए वो फर्स्ट फल, फिर सेकेंड दिखाए ये थर्ड फल कहा जाता है। देखिए और हम नीचे से भी नज़ारा लेने की कोशिश करेंगे। अब हम नीचे जा रहे हैं। आप किसी एंगल से जो है व्यू को ले रहे हैं, तो फल का जो व्यूज है दूसरी एंगल से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, दिनों या हजारे लाखों टूरिस्ट यहाँ पर इस फल को देखने यहाँ पे आते हैं। देखिए गाइस नज़ारा।